उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर के अंदर आता रहा, एग्जाम के अंदर आपके आता रहेगा, चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। सिंथेटिक डिवीजन हम लोग डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और सिंथेटिक डिवीजन बड़ा आसान मतलब मेथड है जिससे हम लोग किसी भी एक अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इक्वेशन दी गई और साथ दो फैक्टर्स दिए गए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना। जो फैक्टर दिए गए हैं इसको आपने सिंपल एक्स प्लस वन को भी जीरो के इक्वल रखना है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। ठीक है, एक फैक्टर, और फिर एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू को भी जीरो के इक्वल रखना, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। तो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, इन दोनों फैक्टर से इसको डिवाइड करना है। बस कैसे डिवाइड होगा देखिए मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहला हिस्सा आपने लाइन लगा लिया। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब के साथ क्या है, कोई वैल्यू नहीं, जो कोफिशियंट होगा वो लिखा जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, पी वो लिखा जाता है, एक्स के साथ क्या है, क्यू वो लिखा जाता है, और कॉन्स्टेंट जो है वो लिखा जाता है। मतलब रीअरेंज करके ये पहले से है 3, 2, 1 और जो भी वेरिएबल देखना पड़ता है, सही है। और इसके बाद हमारे पास जो पहला फैक्टर है उसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये डिवाइड हो रहा है। मेथड ये होता है कि पहला टर्म एज इट इज नीचे आ जाता है। ठीक है, पहला टर्म एज इट इज नीचे आने के बाद ये सिंप्लीफाई होता है, 1 नेगेटिव 1, और फिर p माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा, p माइनस 1। फिर नेक्स्ट टर्म में इस माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव p हो जाएगा, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव p और पॉजिटिव q और पॉजिटिव 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि नेगेटिव p पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव q हो जाएगा और हमारे पास नेगेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव 1 के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर में बचेगा इसके साथ कॉन्स्टेंट माइनस हो जाएगा, सो p माइनस q और प्लस 2। दोबारा समझा देता हूँ, फर्स्ट टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी, फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है, तो नेगेटिव 1 1 नेगेटिव 1, ये दोनों आपस में ऐड होते हैं, क्या होते हैं ऐड, तो p प्लस माइनस तो माइनस 1 आ जाएगा, p माइनस 1। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव p और पॉजिटिव 1। फिर हमने क्या किया कि नेगेटिव p प्लस पॉजिटिव q प्लस 1, तो ये हमारे पास किस तरह आएगा, नेगेटिव p और पॉजिटिव q और फिर पॉजिटिव 1, फिर नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सॉरी नेगेटिव 1 आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2 नेगेटिव 1 इज पॉजिटिव 1, तो ये पहला रिमाइंडर आ गया। अब सेकंड रिमाइंडर में हम लोगों ने क्या करना है कि नेगेटिव पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करना है। पॉजिटिव 2 फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगा, तो 1, फिर यहां से 2 मल्टीप्लाई 2 1 = 2, फिर p एज इट इज क्योंकि p एक वेरिएबल है और नेगेटिव 1, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 1 क्योंकि नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 2, फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे सो 2p प्लस 2q और प्लस 2 2p प्लस 2 क्योंकि यहां से 1 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर यहां से 2p में से 1p निकला। ठीक है, तो पॉजिटिव p पॉजिटिव q, ठीक है, और प्लस 3, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब अगले रिमाइंडर की तरफ नहीं जाएंगे, बस लास्ट में जो बच गए वो। अब दो रिमाइंडर्स हमारे पास आ गए, p प्लस q p माइनस q। ठीक है, अब इसको इंतहाई आसानी से आप लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर देना है। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दीजिए, ठीक है, इसको जीरो के इक्वल रख लीजिए, और जो दूसरी इक्वेशन है वो p प्लस q प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको भी इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे दीजिए। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है कि इक्वेशन 1 को ऐड कर देना है इक्वेशन 2 के अंदर। यहां से आप अगर इन्हें ऐड करेंगे ना, तो ऐड करना मतलब यहां से आप लोगों ने स्टेटमेंट लिख देनी है कि इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 2। ठीक है, तो ऐड होने से p और p क्या हो जाएगा, 2p, ठीक है, सब ऐड हो रहे हैं, 2p नेगेटिव और पॉजिटिव q तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0, so 2p is equals to negative 4 हो जाएगा, उधर जाके p is equals to negative 4 divided by 2, p is equals to negative 2, p is equals to negative 2। अब p का जो आंसर आया है ना, अब आप पहले इक्वेशन जो है उसमें पुट कर लीजिए, तो पहला इक्वेशन है p minus q plus 1 is equals to 0, p की जगह negative 2 negative q और positive 1, so negative 1 हो जाएगा, negative q is equals to 1, ठीक है, is equals to 0 क्योंकि negative 1 में से 2 निकाला। अब नेगेटिव 1 नेगेटिव q इधर ही और नेगेटिव 1 वहां पे चला गया, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, तो q की जो वैल्यू आ जाएगी वो नेगेटिव 1 आ जाएगी। सो p और q की वैल्यू क्या ये सॉल्यूशन सेट हम लोगों ने फाइंड कर दिया कि भाई एक है नेगेटिव 2 और एक है नेगेटिव 1, तो हमने p और q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, अगर आगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए फॉर मोर वीडियोस के लिए। शुक्रिया।